वेलकम फ्रॉम लॉस एंजलिस। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी की जगह पर। इस वक्त हम आ चुके हैं हॉलीवुड बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के ऊपर। आप देख सकते हैं कि सिर्फ निस्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ तो पूरा अमेरिका एक तरफ और एक मोहम्मद अली इस नाम के साथ जो है एक तरफ। फर्स्ट टाइम इन USA आज मंदी ट्राई करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अमेरिका में मैं इस तरह के जो है ना गेटअप में घूम रहा हूँ रोड के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम कैलिफोर्निया। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा सफ़र है इंशाल्लाह सैक्रामेंटो टू LA, लॉस एंजलिस जिसको कहा जाता है, उसका मुखफ़ है LA। सामान वगैरह रख चुके हैं हम। बाकी मेरे साथ यहाँ पर तोप और रुमाल भी इसलिए है क्योंकि LA में किंग फहद मस्जिद में इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ानी है आज इशा की। तो उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह खैरियत से पहुँच जाएँगे। बैकग्राउंड में शायद आपको मुर्गियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, वो भी देसी। इनकी कहानी भी आपको सुनाते हैं। ये इस तरह आपको जो है ना हर रोड के ऊपर मिलेंगी। इसमें दोनों हैं, मेल फीमेल। और बस सुभान अल्लाह, अब ये देखें ना, ये एक किस्म की आप जंगली भी कह सकते हैं, लेकिन इनके चूज़े बच्चे भी हैं। मतलब ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं और फिर बच्चे भी पैदा करती हैं। और इस तरह ये आपको पूरे युबा सिटी में ये नज़र आएंगी। अब आई डोंट नो कि ये मुर्गी जो है सुभान अल्लाह कैसे अंडे दे के उस जगह पर बैठती हैं डेली, फिर वहीं जाकर अंडे देती है। ये डर रही कि शायद मैं कुछ करूँगा। मैं कुछ नहीं करने वाला चाची बशीरा, इजी रहे। देखो ना, छोटे छोटे चूज़े हैं इसके और नीचे जो है छुप रही है, डर रही है मुझसे। मतलब यहाँ से भी आपको नज़र आएगा, बिल्कुल होटल के सामने आपको हर जगह ये नज़र आएंगे। पूरे पार्किंग एरिया में किसी भी जगह आप चले जाएँ ना इसमें युबा में, तो वहाँ पर ये आपको इस तरह जो है ना जो मुर्गे हैं वो बांगे देके देते हुए नज़र आएंगे। अच्छा भाई, इस वक्त हमारा सफ़र जारी और सारी है। यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए हम रुके हैं। यहाँ पर एक पहला पेट्रोल पंप मुझे अमेरिका में नज़र आया जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि ट्रकों का अड्डा हो। यहाँ पर अगर आप देखें डीज़ल के लिए अलग सारा सिस्टम बनाया गया है, ये ट्रक वगैरह वाले यहाँ से डीज़ल भरवाते हैं। और पहली दफ़ा मैंने अमेरिका में देखा है जहाँ पर टायर वगैरह और रिपेयरिंग वगैरह और इस तरह जो है ना AC वगैरह के काम वाले यहाँ पर कुछ शॉप्स मौजूद हैं। मुझे अभी पता चला है कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ये अभी यहाँ पर डीज़ल वगैरह अपना भरवा के, ताकि बाद में रश ना हो, पीछे जाके वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, फिर उसके बाद आराम से रिलैक्स जो है गाड़ी के अंदर सो जाएंगे। उनके उसके बाद ये जो आप शॉप देख रहे हैं ना, इसके अंदर इनके पास रेस्टोरेंट भी है, उसके अलावा शावर लेने के लिए भी जगह है। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि ट्रक अड्डे पर जो है कड़क चाय मिलती है, यहाँ पर जो है हम ज़ाहिर बात है कॉफ़ी ही मिलेगी, कड़क चाय तो नहीं मिलेगी। आप जैसे ही आते हैं तो आपको कॉफ़ी का ही इश्तिहार मिलेगा। तो आइए ज़रा लेते हैं कॉफ़ी यहाँ से, ताकि बिस्मिल्लाह सफ़र जो है थोड़ा आसान से गुजरे। मुझे आज थोड़ी सी सर्दी फील हो रही है, इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने सुबह से जो है ना हुडी ही पहनी हुई है, और गाड़ी भी मैं पीछे बैठ गया हूँ क्योंकि आगे जो है AC चल रहा होता है तो मुझे थोड़ी सी जो है ना ठंड लग रही थी उससे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, रेडी है सर? माशाल्लाह, कोस्टा कॉफ़ी, ये भाई UK का ब्रांड है। अच्छा, यहाँ पर आपको कोस्टा की ठंडी कॉफ़ी भी मिलेगी, मोका वगैरह या जो भी आपको चाहिए ठंडा भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जिंदाबाद। अच्छा, हमने भाई जुर्म किया है, यहाँ पर चाय भी मिल रही है लातों के साथ, चाय लाते। इसका कप जो है अलग से ले लें, छोटा वाला ही मैं ले रहा हूँ। अस्सलाम, आ जा भाई, जा बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, यहाँ पर हॉट भी है, ओके। कौन से लें यार, एस्प्रेसो नहीं चाहिए, क्लासिक कॉफ़ी नहीं चाहिए, कैपाचिनो, विच वन इज़ बेटर, दिस वन यार? ओके चलें, यू आर फ्रॉम न्यूयॉर्क, ओके, शुगर वन, ठीक है, चलो भाई शुरू हो गया बनना। अच्छा, इस्टेब्लिश इन 1971, देखें इसमें भी हिस्ट्री आ गई है, मतलब तारीख उसकी जो है ना कब से ये कॉफ़ी शुरू हुई थी। यहाँ पर तो पेट्रोल को गैस बोलते हैं, वहाँ पर जो प्राइस थी हमने जब टेक्सास में चेक किया था तो $2.76 का एक गैलन था। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कितना महंगा है। अच्छा, कैलिफोर्निया में जो सबसे कम वाला है ना वो $4.50 का है। अभी हमने 14 गैलन भराए हैं तो तकरीबन $70 जो है लगा है। अच्छा भाई, नाश्ते के लिए थोड़ा सा रास्ते में हमने कुछ डोनट्स वगैरह ले रहे हैं। यकीन करें किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त अवेलेबल ऑप्शन यही है हमारे लिए हलाल रास्ते में। चॉकलेट भी है यहाँ पर हमारे पास, और ये भी है। आई विल गो विद दिस एंड दिस।
रास्ते में हम रुके हैं एक जगह, इसका नाम है फ्रिज़नो। बड़ा ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ज़्यादा बागात हैं यहाँ पर, रास्ते में आपको चलते फिरते नज़र आते हैं। तो जब से हम अमेरिका आए हैं हमने अमेरिकन फूड जो है वो ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पर हम रुके हैं एक जगह जिसका नाम है लॉन्ग जॉन सिल्वर्स। इसका जो है फ़िश फूड होता है, अमेरिकन फूड है। 70s से ये एक रेस्टोरेंट है, एक चेन है बेसिकली, जिस तरह सऊदी अरब में अलबेक है तो यहाँ का ये अलबेक है। लेकिन इसकी ज़्यादातर जो आइटम्स हैं वो फ़िश, जो सी फूड है वो हैं, और साथ में चिकन भी हैं। हमने जो तसल्ली की है उसके मुताबिक इनके यहाँ कोई पिग वगैरह ऐसा कुछ भी, ऑयल वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है इस्तेमाल नहीं करते। तो आज यहाँ पर हम सी फूड ट्राई करेंगे एलए की तरफ जाते हुए रास्ते में। तो आइए ज़रा अंदर चल के देखते हैं कि किस किस्म का इनका फूड है। भाई ये यहाँ पर अमेरिका में ऐसा होता है। ये हम अंदर आ गए। तो भाई जान यहाँ पर हमारे पास फ़िश आ गई है, सी फूड आ गया है, खाना आ गया है, ज़बरदस्त किस्म का प्लेटर बना हुआ है, उसमें डिफरेंट चीज़ें आपको मिक्स मिलेंगी। फ़िश भी है, साथ में अमेरिकन पकोड़े भी हैं। आज फर्स्ट टाइम जो है ज़िंदगी में अमेरिकन पकोड़े भी ट्राई करेंगे, देखते हैं किस तरह का इनका जायका है। और यहाँ पर जो है हमारा पसंदीदा फूड है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सैलमन की फ़िश है, श्रिम्प्स हैं, और साथ में जो है ऊपर सैलड भी आपको मिलेगा। माशाल्लाह तबारक रहमान, क्या बात है, जिंदाबाद। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे अमेरिकन पकोड़े, देखते हैं कि किस तरह का जायका, चटखारे के हैं कि नहीं है। अच्छा भाई, ये है हमारे पास अमेरिकन पकोड़ा जिसे कहते हैं हश पपीज़, और इसमें सिर्फ जो है ना बेसन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का इनका जो मेन सॉस है टाटर, उसके साथ हम इसको ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं अंदर से कुछ इस तरह फारग फारग ही है, सारा बेसन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब भाई बारी है श्रिम्प्स की, जो कि इस तरह जो है ना बेसन के अंदर नहाए हुए हैं। माशाल्लाह। चलो अब बारी है फ़िश की, यार देसी काम करना पड़ेगा, गोरे नाराज़ तो नहीं होंगे। अच्छा, गोरे भी देसी तरीके से खाते हैं क्या? ज़्यादा गोरे बनते हैं, अपने देसी तरीके से ही खाना चाहिए। बेहतरीन फूड है। हमारे मेज़बान कह रहे हैं कि यहाँ पर फ़िश जो है ना कॉर्न वगैरह और इन चीज़ों के साथ खाई जाती है। मैंने कहा सही जी, हम इनको जो है तलाश कर रहे थे, ये चीज़ें हमने बहुत वाफर मकदार में खाई हुई हैं हर जगह। अब यहाँ पर ये वाला जो श्रिम्प है ना विद राइस, इन्होंने दिए हुए चावल भी नीचे दिए हुए हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये है, ये पहली चीज़ जो है ना बड़ी कमाल की लगी है मुझे। ऊपर जो स्पाइसेस है ना बड़े कमाल के हैं माशाल्लाह। ये अगर आप देखें ना, हल्के हल्के से मसाले डाले हुए हैं यहाँ पर। आपको याद होगा जब हमने होल सेल जो अमेरिका में ग्रोसरी की शॉपिंग थी उसके अंदर सैलमन देखी थी, मैंने कहा मेरी पसंदीदा है, उसको अब ट्राई करने लगे माशाल्लाह। अच्छा भाई, जैसे हम लॉस एंजलिस के करीब आते जा रहे हैं बड़े खूबसूरत मनाजिर आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला मंजर ऐसे खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले का है जो कि शायद आज से पहले मुझे इस वक्त याद नहीं है कि मैंने ऐसा कोई मंज़र खूबसूरत देखा हो। नीचे जो है अगर आप देखें जो पुराने ज़माने में पेट्रोल निकालते थे ना उसके कुएं नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है शायद ये पानी के हों। लेकिन साथ ये नीचे अंगूर की सारी बेलें हैं, अंगूर के बागात हैं, लेकिन ज़्यादातर इम्कान ये है कि ये जो है ना ऑयल के ही कुएं हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना। और पीछे आप पहाड़ी सिलसिला देखें कितना खूबसूरत, माशाल्लाह इस हाईवे के ऊपर आपके राइट साइड पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत मनाजिर है माशाल्लाह, पहाड़ों के दरमियान से एक वादी के दौरान रास्ता गुजर रहा है सारा माशाल्लाह। तो भाई मुबारक हो आपको, फर्स्ट टाइम जो है यूएसए में हमें बादल नज़र आ गए हैं, अल्लाह का नाम ले लेके। पिछले कई दिनों से तकरीबन 10 दिनों से गर्मियों में गुजारा कर रहे थे, जिस तरह की गर्मी हम सऊदी अरब छोड़ के आए थे वैसी ही गर्मी यहाँ पर हमें फ़ील हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देखें जैसे ही हम लॉस एंजलिस के करीब आ रहे हैं तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जो है बादल सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और नीचे इस तरफ एक वैली है, छोटा सा गाँव है, उसके अंदर भी 2-3 होटल हैं मेरे ख्याल में, यहाँ पर भी लोग आके रहते हैं। और बड़ा सा स्टॉप आवर है जहाँ पर बहुत से ट्रक्स वगैरह भी खड़े हैं, और पीछे वहाँ पर भी अगर आप देखें थोड़ी बहुत आबादी मौजूद है। जब आप यहाँ इस रोड से करते हैं तो आपसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे, मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप इस्लामाबाद की मोटरवे पर जब चल रहे होते हैं ना, लाहौर टू इस्लामाबाद या इस्लामाबाद टू लाहौर, तो जो एक इलाका आता है कलर कहार का, सेम वैसी फीलिंग जो है यहाँ पर आ रही है। अगर आप भी कभी यहाँ से गुजरे हो तो आप बता सकते हैं। मेरे राइट साइड पर खूबसूरत सी लेक है, ये आप देखें बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है, बीच में जो है बोट्स वगैरह भी चल रही हैं, बाइक्स होती हैं वाटर बाइक्स, वो भी अंदर लोग उसको भी एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। ये लेक आप देख सकते हैं अपने
सुभान अल्लाह, साथ साथ जो है चल रही है हमारे, आपको हर थोड़ी देर बाद नज़र आएगी, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह नज़ारा पेश कर रही है। अच्छा, आप जब हॉलीवुड सिटी आएंगे तो आपको इस तरह की बसेस मिलेंगी जो कि हॉलीवुड सिटी जो है उसका सारा आपको टूर कराती हैं। बुकिंग के लिए आपको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं ट्रिप एडवाइज़र से। आप देख सकते हैं कि बहुत सी आवाम जो यहाँ पर आती है इस चीज़ में बड़ी खुशी के साथ जो है ना इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम फ्रॉम लॉस एंजलिस। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी की जगह पर, जहाँ पूरी दुनिया से जो भी सयाह लॉस एंजलिस आते हैं लाजिम यहाँ पर आते हैं। उसकी वजह है ये जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर पुराने ज़माने में अलमरसद मीन, जैसे कि आप सुनते हैं ना कि मदीना मुनव्वरा में सऊदी अरब में चाँद देखने के लिए कमेटी जो है वो बैठ गई और आज चाँद देखेगी। बेसिकली ये एक जगह है जहाँ पर 1935 में एक टेलीस्कोप लगाया गया था, जहाँ से चांद वगैरह और ये मामला देखने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बैठा करती थी। तो 1935 से ये जगह मशहूर हो गई और ये सारा जिस एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं इस सारे को हॉलीवुड कहते हैं। हॉलीवुड जहाँ से हॉलीवुड की फिल्में जो हैं, जो अमेरिकन फिल्में हैं जो बनना शुरू हुई, उसके बाद जो है बाकी जिस तरह बॉलीवुड इंडिया का है, लॉलीवुड पाकिस्तान लाहौर से जिस तरह है, तो बेसिकली ये हॉलीवुड लैंड्स है जिसके ऊपर ये ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। यहाँ पर अभी हम जाएंगे, अंदर बहुत कुछ जो है दिखाया गया है, लेकिन इस जगह पर जब आप आते हैं, एक तो मौसम बड़ा कमाल का है, इस वक्त असर के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन सूरज अभी तक अगर आप मेरे पीछे देखें तो ग़ुरूब नहीं हुआ, और मेरे सामने जो है हॉलीवुड की जो मशहूर आप एक देखते हैं जो भी लॉस एंजलिस आता है अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे, बिल्कुल मेरे सामने है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम आई हुई है विज़िट करने के लिए और इस जगह को देखने के लिए, और यहाँ पर आके लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। जब आप सामने आते हैं तो सबसे पहले ये एक पिलर बना हुआ है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं जो अलफलक का सिस्टम है उसी का ही लोगो टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, और सामने ये आप देख सकते हैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। अच्छा, अंदर जाने से पहले अगर आप यहाँ पर देखें ऑर्बिट ऑफ प्लूटो जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि एक सियारा होता है, शायद यहाँ पर खड़े होकर वो इस इतजाह में नज़र आता हो तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर निशान दिया हुआ है। नेपटून ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब कि सियारा ऑफ नेपटून। इस तरह आपको डिफरेंट इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, बच्चों के लिए बड़ा खूबसूरत है, अगर बच्चों को आप लेके आते हैं तो उनकी एक इन्फॉर्मेशन और उनकी मकसद है कि एंगेज करने के लिए ना, सवाल जवाब भी बच्चों के साथ आप कर सकते हैं यहाँ पर इस हवाले से। यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें बहुत सी मिक्स हैं, आप साथ साथ ये भी तो देख रहे हैं, लेकिन इस तरफ अगर आप देखें तो पूरा आपको लॉस एंजलिस का शहर जो है यहाँ से नज़र आता है। तो ये सारा ये एक डाउनटाउन वो सामने है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दूसरा डाउनटाउन वो उस तरफ है, तीसरा डाउनटाउन जो है उस तरफ बादलों में जो है गिरा हुआ है। ये बेसिकली क्या है कि तीन मुख्तलिफ जो टाउन्स होते हैं ना उनके डाउनटाउन है। तो ये जो आप डाउनटाउन देख रहे हैं ये है लॉस एंजलिस का, और उस तरफ जो आपको डाउनटाउन नज़र आ रहा है ना वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो ये है सेंटा मोनिका का, और उसके साथ एक और भी डाउनटाउन साथ में है, आई थिंक शायद वो कोई छोटा और टाउन होगा उसका भी होगा। तो यूँ आपको पूरा लॉस एंजलिस यहाँ से नज़र आता है। एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आने के लिए आपको नीचे से ही एक हाइकिंग ट्रैक मिलता है, जिससे ये सारे लोग आप देख सकते हैं ऊपर आ भी रहे हैं और कोई नीचे वापस भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारी आवाम पिक्चर्स वगैरह ही बनाते हुए नज़र आएगी इस तरफ, क्योंकि पीछे जो है सारा लॉस एंजलिस शहर आपको नज़र आता है उस तरफ। यहाँ पर खड़े होकर आपको हॉलीवुड का साइन भी नज़र आ रहा होगा, इसके बारे में मैं आपको तफसील जो है थोड़ी देर बाद देता हूँ, पहले हम इसको जो है फिनिश कर लें। इस तरह जो है आप चलते जाते हैं, बाकी सारी भी आवाम खड़ी है यहाँ पर, कोई सनसेट के लिए आता है, कोई किसी और काम के लिए आता है, और पूरे शहर के जो है ना मनाजर देखते हैं, उसके साथ जो है अपने फ़ोटो शूट करते हैं। जगह जगह पर जो है ना इन्होंने इस तरह की टेलीस्कोप वगैरह लगाई हुई हैं, दूरबीन जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन ये आपको क्वीन डाल के इसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बगैर यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको जैसे सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली के बारे में बताया था कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आईटी का एक शुरुआत हुई और वो एक हब बन गया, इसी तरह जो सितारे और सियारे और चांद और सूरज ये चीज़ें जहाँ से ऑब्जर्व किए जाते थे 1800 में, मतलब आज से 200 साल पहले 250 साल पहले, सबसे ज़्यादा ये उस मतलब कैलिफोर्निया ये उसका हब था। यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े उलमा जो है ऑब्जर्व करते थे कि कौन सा सितारा जो है उसकी चाल चलन कैसी है और कौन सा मरीख किस तरफ जा रहा है, जोहरी किस तरफ जा रहा है वगैरह। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें उस वक्त की गई थी, और कुछ फ़ोटो भी हैं उस ज़माने के, मैं आपको दिखाता हूँ। 1935 में ये चीज़ थी, 1888 में ये चीज़ थी, ये 1904 की फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भाई साहब हैं जॉर्ज, जिन्होंने 1800
आई थिंक 68 में इनकी पैदाइश है, 1938 में ये वफात पाए थे। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद की थी इस सारे मामले में। पहला जो है खला में 1958 में जो आर्टिफिशियल भेजा था ना, ये वो है। आजकल जो आप देखते हैं बड़े ही मतलब मैकेनिकल किस्म की और AI किस्म की टेलीस्कोप है, पुराने ज़माने में कैसे होती थी वो आपको दिखाते हैं। पुराने ज़माने में इस तरह की आप दूरबीन भी कहें, मतलब ये टेलीस्कोप होती थी जो कि आँख के साथ जिसको देखा जाता था कि कौन सा सियारा किस तरफ जा रहा है वगैरह वगैरह। और पीछे जो उस ज़माने के जो मैप थे ना, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चांद किन मराहल से गुज़र के पूरा चांद मुकम्मल बनता है, और जब उसकी शुरुआत होती है न्यू मून, फिर उसके बाद ये जो हिलाल होता है, फिर इस तरह चौदहवीं का चांद फुल मून। ये टेलीस्कोप है जो उस ज़माने में यहाँ पर लगाई गई थी चांद देखने के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, कैलिफोर्निया खासूसी तौर पर LA में आपको सबसे ज़्यादा जो है चाइनीज़ मिलेंगे। और हमारे दोस्त यहाँ पर बता रहे हैं कि इन्होंने तकरीबन 80% LA जो है ना इन्हीं का ख़रीदा हुआ है। जिस तरह अगर आप UK जाते हैं तो वहाँ पर सब चीज़ आपको कतरियों को मिलती है और इमारातियों को मिलती है, यहाँ पर इन्होंने किया हुआ ऐसा। यहाँ से तो हमने होली, आप थोड़ी बात कर लेते हैं होली वर्ल्ड लैंड्स की। जो मेरे पीछे आप यहाँ पर वो सामने वो जो पहाड़ है उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर एक बड़ा सा होली वर्ल्ड लिखा हुआ है। अक्सर जो लोग लॉस एंजलिस आते हैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह बनाते हैं। 1923 में ये जो आप बड़ा सा होली वर्ल्ड देख रहे हैं ये था, और इसके सामने लैंड्स भी लिखा हुआ था। बाद में जब यूनिवर्सल पिक्चर्स की यहाँ पर स्टूडियोज़ बनी, और इसी तरह जो है पैरामाउंट पिक्चर्स जिस तरह नेटफ्लिक्स है आजकल, या और सऊदी अरब में एक शाहिद नाम से मतलब है कि एक ऑनलाइन सर्विस है जहां पर आप बहुत कुछ देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, इस तरह की जब ये चीज़ें उस ज़माने में यहां पर बनी, उस ज़माने में तो सिनेमा में ये दिखाए जाते थे ना, ऑनलाइन तो नहीं होता था। तो उसके बाद यहां पर जो इंडस्ट्री थी फिल्में बनाने वाली उसको हॉलीवुड का नाम दिया गया। तो बाद में लैंड्स जो है ये हटा दिया गया, और ये तब 1923 से ये एक यहाँ पर मालम बन गया, और लोग यहाँ पर आके अपनी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं इसके साथ। ये अगर सारे आप पीछे मेरे लोग देखें तो ये सारे उस हॉलीवुड के जो मतलब है कि जो लिखा हुआ है उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है हॉलीवुड की वजह से जो इंग्लिश मूवीज़ हैं उनको एक नई आफाक मिली, खसूसी तौर पर इसको जो गोल्डन एरा कहते हैं वो है 40s से लेकर 60s तक। ये जो 20 साल गुजरे इसको सबसे अच्छा मतलब एक टाइम माना जाता है एक जो फिल्मी जो है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस ज़माने में फिल्में जो है वो हिट हुई। बाद में तो ये हर बंदे के मकसद है कि रिवाज बन गया। जिस तरह अगर आप कहें कि कोविड के दिनों में जो व्लॉगर्स हैं उनका जो है गोल्डन एरा था, उसके बाद जो है बाकी भी सारी दुनिया आई, मिसाल के तौर पर आपका भाई भी बाद में 2021 से मैंने शुरू किया। तो इस तरह जो है ये भी एक हॉलीवुड जो है वो स्टार्ट था मूवीज़ बनाने के लिए यहाँ पर 40s में। इसके अलावा जो ऑस्कर है जो कि माना जाता है दुनिया का भी सबसे बड़ा क्रिएटिंग के लिए अवार्ड जो दिया जाता है मूवीज़ के हवाले से, वो भी यहाँ लॉस एंजलिस में ही होता है डॉल्बी के अंदर। और इसी तरह बाकी भी बहुत कुछ है हॉलीवुड लैंड्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने कुत्ते वगैरह ले कर आए हुए हैं। एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर यूरोप से बहुत कम ये कल्चर है। यूरोप में जब आप चलते फिरते हैं या UK में तो आपको हर जगह हर दूसरे बंदे के साथ जो है ना कुत्ता नज़र आता है। यहाँ पर आपको कुछ 100 में से एक बंदे के साथ ये चीज़ नज़र आती है। लोगों ने यहाँ पर घरों में रखे हुए हैं, लेकिन इस तरह जो है पब्लिक प्लेस पर आपको बहुत कम ये चीज़ नज़र आएगी। इस तरह की बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो कि आपको टूर देती हैं हॉलीवुड के भी नाम से। यहाँ पर आपको बसेस मिलेंगी, हॉलीवुड बसेस जो कि आपको हॉलीवुड सिटी का टूर्स देती हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट स्टूडियो हैं उनके नाम से भी गाड़ियाँ चल रही हैं जो आपको स्टूडियोज़ के अंदर लेके जाते हैं, और अगर कोई शूटिंग हो रही हो वहाँ पर तो आप वो भी देख सकते हैं। रश आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा रश है, बस हमारी गाड़ी सामने खड़ी है मुझे, और यहाँ से 45 मिनट का रास्ता है। लेकिन अगर इस तरह रश हुआ तो खुदा न खासा हमारी नमाज़ जो है वो मिस हो सकती है। बहुत से दोस्त अहबाब भी वहाँ पर आए हुए हैं जो मिलना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम टाइम पर इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो भाई जान अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट में यहाँ पर खड़े खड़े हमने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। आवाम देख रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हम पहुँच गए हैं, तो माशाल्लाह बहुत से लोग पहले से आए हुए थे, ऊपर से हाथों से इशारे भी कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद आई है मिलने के लिए, तो परफ्यूम वगैरह भी लगा लें। ये मैंने मिस्क लिया था, अगर आपको याद हो उस्मान भाई के साथ हम गए थे जो अहमद परफ्यूम की न्यू जो ब्रांच खुली थी ना वो मादिन के नीचे, वहाँ से उस वक्त लिया था उस्मान भाई की रिकमेंडेशन पर। तो बहुत अच्छा है वो है, मिस्क है,
इसको आप बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारा सामान जो है ना सारा, अभी क्योंकि हम होटल पर गए नहीं है तो फिर इसी को मैंने कहा यूज़ कर लेते हैं। كيف الحال؟ الحمد لله. أموركم طيبة؟ الحمد لله. ما شاء الله. حياك الله. الله يرضى عليك. كيف صحتكم؟ فرصة سعيدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا. كيف صحتكم؟ منورة لوس أنجلوس. منورة بأهلها يا شيخ. الله يرضى عليك. الله يسعدكم إن شاء الله. شوف إيش وقت هم جامع ملك فهد من بونش وكان ما شاء الله تبارك الرحمن يجوا جامع هي كاليفورنيا من كينج فهد من 1998 من أبني ذاتی پیسوں سے یہ جامعہ بنوائی تھی اس وقت، تو تقریباً ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 26-27 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ هذا المسجد هدیہ من خادم الحرمین الشریفین الملک فهد بن عبد العزیز آل سعود للمسلمین فی ولایت کالیفورنیا تابع فی مراحل نشأته وافتتاح صاحب السمو الملک الامیر عبد العزیز بن فهد، ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے افتتاح کیا تھا۔ تقریباً 2000 مسلمین کی جگہ ہے یہاں پر اندر مسجد کے، اور یس ویل ٹیک پکچر Give it to me. I'll take picture. قد قامت الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يعافيك ويعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. بس اللي صبح ان شاء الله ان کی فلائٹ ہے کل. اجو حافظ صاحب پلیز کم. ما شاء الله. اچھا بھائی نماز کے بعد ہمارے ساتھ کچھ حفاظ کرام ہیں یہاں پہ لوکل بچے ہیں ان سے تھوڑا بہت قرآن شریف انشاءاللہ ہم سنیں گے. تو انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ریسائٹنگ سورۃ القصص. ماشاءاللہ بسم اللہ. انشاءاللہ جزء بسیط تھوڑا سا. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك نفع الله بك. ما شاء الله ما شاء الله. انت شيخ عفاسي ما شاء الله عليك بارك الله فيك. ان شاء الله حيوم في الصلاه في التراويح ان شاء الله. اي يشرف معنا في الليل يعني في صلاه التهجد. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله ينفع بك. عمر سعد حافظ جواد زيد بليز كوش اب بسمع anything. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. جزاك الله خير ما شاء الله. اچھا بائی چانس جو ہے عشاء کی نماز میں ہم نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تلاوات پڑھی سورۃ الدخان کی, پھر محمد نے بھی سورۃ القصص وہی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. آلسو حافظ زید صاحب یہ تو آج معجزہ ہو گیا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ تبارک الرحمن جو دوست احباب آئے ہوئے تھے ملنے ان سب کا بہت شکریہ, اور جو نہیں آ سکے اور جنہوں نے میسج کیا کہ ہم دور ہیں نہیں آ سکتے وٹ ایور ان سب کا بھی بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا بہت خوشی ہوئی. ہمارے کیمرہ مین نئے تھے, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیسی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو دکھانے کے قابل ہے یا شاید ساری کاٹنی پڑے. بہرحال وہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ کیمرہ مین کا شکریہ. تھینک یو سر. اچھی بنائی ہے تو پھر بھی تھینک یو, اچھی نہیں بنی تو آپ کی کوشش کا بھی شکریہ. جزاک اللہ. تو بہت اچھا لگا لاس اینجلس کے بھائیوں سے یہاں سے مل کر. کچھ بہنیں آئی ہوئی تھیں, ان سے بہت معذرت میں نہیں مل سکا, مجھے جو ہے نیچے لیٹ ہو گئے ہم. بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیچاری انتظار کرتی کرتی جو ہے چلی گئی ہیں. تو ابھی امام صاحب ہیں شیخ احسن جو کہ مکہ سے جامعۃ ام القرى سے فارغ التحصیل ہیں 2006 سے ماشاءاللہ, اور یہاں پر امامت کر رہے ہیں تقریباً 8 سال سے. مسجد کو ہم ڈسکور نہیں کر سکے, ایکسپلور نہیں کر سکے کیونکہ ملنا ملانا شروع ہو گیا تھا. تو انہوں نے ابھی دعوت کیا امام صاحب نے, تو وہاں پر ان کی دعوت پر جو ہے جا رہے ہیں. اچھا فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ میں میں اس طرح کے جو ہے نا گیٹ اپ میں گھوم رہا ہوں روڈ کے اوپر. آئی ڈونٹ نو یہاں کے لوگ یوزفل ہیں اس چیز کے لیے کہ نہیں ہیں, لیکن ایک چیز جو اس وقت نظر آ رہی ہے نا شہر میں, آئی ڈونٹ نو کہ یہ بادل ہیں یا دھند ہے یا کیا ہے. مطلب ساری عمارتیں گھری ہوئی ہیں اس کے اندر, اور جو مطلب دیکھ جو ہے وہ صاف نہیں ہے. اس فیل ہوتا ہے جیسے جو ہے نا دھندلا دھندلا سا سارا وہ ہے. اس وقت امام صاحب آ چکے ہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. آپ کی میں اردو میں بات کروں گا آپ سمجھ جائیں گے. افہم. بہت شکریہ آپ کی دعوت دینے کے لیے اور ٹائم کے لیے مہمان نوازی کے لیے. جزاک اللہ خیر. اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں طارق بھائی, بہت عارف بھائی, بہت خوشی ہوئی. جزاکم اللہ خیر. یہ جو کنگ فہد مسجد ہے اس کے کمیٹی کے چیئرمین ہیں آپ؟ ڈائریکٹر ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اللہ پاک آپ لوگوں کے علم میں
और आपकी जो जुहूद है उनमें बरकत अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर। हाउ आर यू? गुड माशाल्लाह। ये शेख अहसन के बेटे हैं माशाल्लाह। शेख मोहम्मद नशकुरक अला तआउनक बारकअल्लाह फीक। अल्लाह यसअदक। अल्लाह यजज़ा खैर। और यहाँ पर मेरे साथ हैं मेरे हमनाम रियाज भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। वेलकम। जज़ाकअल्लाह। तो रियाज भाई और आरिफ भाई और मोहम्मद भाई और वो हसन जो हैं सैयद हसन साहब, ये सारे माशाल्लाह मस्जिद की खिदमत करते हैं यहाँ पर। शेख हसन साहब इमाम हैं 8 साल से तकरीबन। तो अभी यहाँ पर हमें लेके आए हैं मंदी, फर्स्ट टाइम इन USA आज मंदी ट्राई करेंगे, वो भी अरबी लिबास में। लेट्स सी कि कैसा जायका है उसका। हमारे पास दो किस्म की डिशें आ गई हैं, मंदी भी आया है और साथ में हनीफ भी आया है। या लतीफ या लतीफ या लतीफ। माशाल्लाह तबारक रहमान। माशाल्लाह तबारक रहमान। ये देखें भैया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चले बिस्मिल्लाह ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मालिक यहाँ पर हम थोड़ी सी हनीद ले लेते हैं और मंदी भी यहाँ पर ले लें। या सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ज़रा हनीस ट्राई करते हैं। या सलाम सलाम। बिस्मिल्लाह। या सलाम। थोड़ा सा ड्राई है, उसके लिए हमें मालिश, उसका हल भी यहाँ पर आया हुआ है। ज़रा मंदी भी ट्राई कर लें अब साथ में। बिस्मिल्लाह। मंदी इज़ टू गुड माशाल्लाह। लॉस एंजलिस में वेस्टवुड में मंदी हाउस माशाल्लाह। मस्ट ट्राई करें अगर आपने अरबिक फूड खाना है। अवेलेबल ऑप्शन में माशाल्लाह सबसे बेस्ट है। बहुत शुक्रिया इमाम साहब का और जो मस्जिद की कमेटी थी, आरिफ भाई एंड रियाज भाई एंड मोहम्मद भाई एंड शेख अहसन साहब। बहुत अच्छा उन्होंने इस्तकबाल किया, बहुत अच्छी ज़ियाफ़त की। अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो इस वक्त हम आ चुके हैं हॉलीवुड बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के ऊपर। आप इस रोड के ऊपर क्या है बेसिकली, क्योंकि हॉलीवुड यहाँ अमेरिका की इजाद है जैसे कि आप सबके इल्म में है। तो इन्होंने ये जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है पूरे रास्ते में दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट स्टार बना के जो अमेरिकन स्टार हैं उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, जिनको ऑस्कर मिला है या उन्होंने कोई भी अच्छा काम किया है या यहाँ की जो लॉस एंजलिस की टीमें वगैरह हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये जो आप डॉल्बी देख रहे हैं, ये जो ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं ना वो यहाँ पर मिलते हैं सबको। मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इस रोड पर वॉक करते हैं या आप गाड़ी के साथ चलते जाते हैं तो हर तरफ आपको जो है स्टार स्टार मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें लॉस एंजलिस डॉजर्स, ये टीम का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर ये भी विक्टोरिया सीक्रेट जो है ये एंजल्स, ये भी टीम का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर जॉनी ग्रांट, ये भी टीम का नाम लिखा हुआ है। इस तरफ जब आप वॉक करते हैं ना, ये देखें आप, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। जितना आप चलते जाएं आगे उतना आपको ऐसे ही नीचे जो है ना नाम नज़र आएंगे। लेकिन जो एक एजाज़ की बात है वो ये है कि बॉक्सर मोहम्मद अली, जब उनको कहा गया कि आप अमेरिकन स्टार हैं तो आपका नाम भी हम इस वॉक ऑफ फेम पर लिखते हैं, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा मेरा नाम आप लिख नहीं सकते क्योंकि मेरा नाम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, तो वो कभी भी ज़मीन पर नहीं लिखा जा सकता। तो क्योंकि वो एक स्टार है, पूरी दुनिया मानती है, जब वॉक ऑफ फेम पर उनका नाम होना इनके लिए फ़ख्र की बात है, ना कि मोहम्मद अली के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी माशाल्लाह पूरी दुनिया उसको मानती थी। तो आप देख सकते हैं जितने भी गोरे हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, सब के नाम वहाँ नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ मोहम्मद अली जो हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा है, देखें दीवार के ऊपर। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद अली जो बॉक्सर था उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये एजाज़ जो है आप देख सकते हैं कि सिर्फ नस्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ, तो पूरा अमेरिका एक तरफ और एक मोहम्मद अली इस नाम के साथ जो है एक तरफ, और वो भी कहाँ पे, वो भी जो इंट्रेंस है ऑस्कर अवार्ड्स का। दुनिया इस चीज़ को मानती है। अभी आप लोग कहेंगे यार ये क्या है, मुझे बस ज़हनी मरीजों से गर्ज नहीं है आपको, लेकिन एक बता रहा हूँ कि दुनिया के एक उसूल के साथ जब आप चलते हैं ना कि उस जगह पर उसका मकाम पैदा करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब जब पूरी दुनिया यहाँ पर आती है वो देखते हैं सबके नाम नीचे लिखे हुए हैं, मोहम्मद अली का नाम ऊपर लिखा हुआ है, तो दे आस्क, वो पूछते हैं यार इसके जो है पीछे क्या स्टोरी है, इस तरह क्यों यहाँ पर लिखा गया है,
जब वो बताते हैं कि इस तरह इनके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है या म्यूज़िक वो चल रहा है, तो उसकी वजह से इसका नाम जब दीवार पर लिखा गया और वो एग्री नहीं था कि मेरा नाम जो है ज़मीन पर लिखा जाए, तो ये एक फ़ख्र की बात है। तो दरूद शरीफ का विरद आना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह पाक मोहम्मद अली की मग़फ़रत फरमाए। उसने जो है बहुत अच्छा इंसान था माशाल्लाह, पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है आज तक माशाल्लाह। सारा वाका फेम स्ट्रीट है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर इस वक्त भी माहौल मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको सारे थिएटर मिलेंगे, शॉपिंग मिलेगी। थोड़ा सा वॉक करते हैं वाकफ फेम पर और देखते हैं किस किस्म का माहौल है। यहाँ पर आप अपने फ़ोटो बनवा सकते हैं, और इस तरफ जो है ये लोग सांप लेके खड़े हैं, इनके साथ फ़ोटो बनवाने हैं, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये कुछ खाना पीना बेच रहे हैं भाई जान, ये जो बग़ैर घर के लोग होते हैं ना वो हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ करतब वगैरह दिखा रहे हैं और पैसे वगैरह लेते हैं। इस तरफ आपको फूड लॉकर शॉपिंग के लिए यहाँ पर आपको सिस्टम मिलेगा, यहाँ पर फिर खाना पीना चल रहा है। तो यूँ हम स्क्वायर के बीच में आ चुके हैं, या आप देख सकते चुगले पर आ चुके हैं, चुगला ऑफ हॉलीवुड। लेट्स क्रॉस, बिस्मिल्लाह। अब आप देखें हम रोड की दूसरी तरफ जाएँगे तो आपको यहाँ पर भी उसी तरह वॉक ऑफ फेम मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखते जाएं, यहाँ पर भी नीचे जो है लोग देखें ना, ऊपर पांव जा रहे हैं लोगों के। ये अच्छा स्टार अभी फारिग है, किसी का नाम यहाँ पर आएगा आने वाले दिनों में। यहाँ पर एक और स्टार फारिग है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें लोग इनके ऊपर से चल रहे हैं, लेकिन ये फिर भी बड़ा फ़ख्र समझते हैं कि इनका नाम यहाँ पर आया हुआ है। तो फिर हम कैसे फ़ख्र ना करें कि मोहम्मद अली का नाम जो है दीवार पर लगाया गया। वेलकम बैक। कल रात को हम तकरीबन 12 बजे आए थे, मैं सारी रात लगा रहा को 1-1.5 घंटा पहले व्लॉग एडिट किया है, जो कि पब्लिश आज नहीं हो सका। वो व्लॉग था एप्पल पार्क का, क्योंकि नेट जो है ना, इस होटल में हम ठहरे हुए थे हॉलीडे इन लॉस एंजल्स में, बिल्कुल ही फजूल है। मतलब तो कोई 1.5 घंटे में सिर्फ 10% जो है अपलोड हुआ है, मतलब 10% आप कहें तो 2 GB जो है अपलोडिंग हुई है 1.5-2 घंटे में। तो इसलिए आज उसके लिए सॉरी जो व्लॉग एक दिन लेट हुआ। अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे एक दिन का पीछे गैप भी है। एनीवे, रात को हमने रेस्ट किया, अभी जो है मेरी फ़्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए, वो आप सारी तफसील अगले व्लॉग में जान सकेंगे, उसमें बहुत सी बातें दिल की भी मैंने करनी है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।